हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर श्रेसिनी। और आज है कांजीवाड़ा, जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी कांजीवाड़ा पूजा का विधि और ये क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है। और यहाँ पे जो सारे पिक यहाँ पे डाला है वो सारा मेरा विलेज का है। विलेज में इसको करते हैं, बाहर नहीं किया जाता है, घर में किया जाता है। जैसे मैं बाहर रहती हूँ तो इसको मैं नहीं कर पाऊंगी, तो कुछ पिक्चर्स या क्लिप में कलेक्ट किया है जो मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगी। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताना आपको ये पूजा कैसे लगा। और यहाँ पे मैं पहले माइके का दिखा रही हूँ, मैं दोनों साइड का ही क्लिप लेके आई हूँ, तो दोनों को भी आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ पे मम्मी ये पौधे को टाई कर रहे हैं, ये है धान और बालूंगा का पौधा जिसको आज पूजा किया जाएगा। और कुछ रंगोली भी यहाँ पे डलता है, जैसे हमारा जो भी फेस्टिवल होता है ना, हम रंगोली डालते हैं और वो चावल के पिंक से डलते हैं, तो मम्मी यहाँ पे रंगोली डल रहे हैं। और कमेंट करना कैसा है रंगोली। और मम्मी और मेरा बहन दोनों अच्छे से रंगोली देते हैं, मुझसे अच्छा देते हैं, मैं तो ऐसे ही दे देती हूँ, बट उन दोनों का रंगोली अच्छा होता है। और ये पूजा का कुछ जैसे बोलो ना सामग्री है, और वो है ड्राई फिश, पोई का खड़ू, वो होता है ना सारा माँ का, जो मीन्स आज सठी माँ का ही पूजा है, वो बालूंगा और धान में सठी माँ का ही पूजा किया जाता है। और कोई कोई इसको ना सिलपट्टे से ही पूजा किया जाता है, पूजा करते हैं, वो मैं आपको भी दिखाऊंगी नेक्स्ट पिक्चर में। और ये सारे जो चीज़ होते हैं खड़ू और ये ड्राई फिश का बहू, ये सब अलंकार होता है। खड़ू उनका चूड़ियाँ दिया जाता है खड़ू बना के पोई में, बस जितना मुझे पता है वो सब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप बस इसको एंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए आपको ये पूजा कैसा लगा, और आप लोग इसको देखे हो कि नहीं। और ये अनमैरिड ही मैं अटेंड किया है, मैं मैरिड के बाद इसको कभी अटेंड नहीं किया है। और हमारे घर में सामूहिक मीन्स ग्रुप में पूजा किया जाता है, हमारा घर में कोठी है, सो सारे औरतें जो भी गांव का लेडीज़ हैं वो यहाँ पे आते हैं। और ये पूजा का एक विधि भी है कि अगर घर में सासू ये पूजा करेगा तो बहू नहीं करेगा, बहू करेगा तो सासू नहीं करेगा, इस टाइप का है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है बहू, इसको हल्दी के कपड़े में लपेटा गया है, काजल सिंदूर सब कुछ लगाया गया है। और शाम होते ही ये पूजा स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा बोला जाता है ना गांव में, जैसे आप लोगों को पता है गांव में फॉक्स रहते हैं, और फॉक्स रोने के पहले ही ये पूजा कंप्लीट होना चाहिए। तो बस शाम होते ही सारे भाभी लोग आ जाते हैं और ये पूजा में थोड़ा बहुत हेल्प भी कर लेते हैं भगवान को सजाने में और बहुएं को सजाने में। बहुआ भी ये देखिए, वो यहाँ पे सिलपट्टा का जो पुआ रहता है ना वो है, ये सठी माँ का ही पूजा होता है। और सठी माँ हमेशा संतानों की रक्षा के लिए पूजा किया जाता है। तो बस ये पूजा में जो प्रसाद है ना उसको एक उम्मीद से हुआ लड़की खाएगा, मीन्स जो न्यू मैरिड होते हैं, जो प्रेग्नेंट होते हैं वो खाते हैं, ऐसा बोला जाता है कि ये प्रसाद खाने के बाद उनका लड़का होता है, इसीलिए इसको मान के ही पूजा किया जाता है। और बस ये हमारे घर का ग्रुपिंग पूजा है, मीन्स सामूहिक पूजा है। उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरे ससुराल का, मीन्स एक दीदी का घर का है, ससुराल में तो ऐसे वो कुछ भेजे ही नहीं। जो जो प्रसाद आया है इसमें ना दाल राइस और पीठा सब कुछ इसमें हो जाते हैं प्रसाद, सब प्रसाद से कुछ कुछ निकाल के वो प्रेग्नेंट लेडी को दिया जाएगा, वो भगवान को चढ़ाया जाएगा और वो ही वो खाएगा, और बाकी का जो बचेगा ना उसको मिट्टी में डाल देते हैं, मीन्स मिट्टी गड्ढा खोल के उसके अंदर डाल देते हैं। एक ही औरत वो खाता है, दूसरा वो शेयरिंग नहीं होता है। प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद प्लीज़ एक लाइक भी कर लेना, क्योंकि लाइक नहीं करते हो भूल जाते हो आई थिंक, तो प्लीज़ लाइक पहले ही कर दो। और ये मेरा दीदी का घर का है, यहाँ पे सिंगल पूजा होता है, मीन्स अकेले अकेले पूजा किया जाता है। तो ये है सठी माँ, मीन्स सिलपट्टा का जो पुआ है वो है,
और मैं आपको पहले बताया कि गड्ढा खोल के किया जाता है, यहाँ पे वो कुछ ऐसे ही बनाए हैं और यहाँ पे वो पानी डालेंगे और फीस नहीं डाले हैं क्योंकि यहाँ पे ना लाइव फीस भी डालते हैं पानी के अंदर, तो वो उड़ी मारते हैं। हम बचपन में बहुत अच्छे से इसको एंजॉय करते थे और वो फिर से उड़ी मारेगा तो हम लोग भी उड़ी मारते थे उसके साथ, छोटे छोटे थे तभी। और सिंगल पूजा मैं भी कभी देखा नहीं, मैं हमेशा जॉइंट पूजा ही देखा है और ये मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ आप लोगों के साथ, बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी टाइम के बाद मैं ये पूजा को अटेंड किया है। यहाँ पे वो प्रसाद निकाल रहे हैं भगवान के लिए और कुंभ के लिए, कलश के लिए। इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा रेसिपी, जो कांजी ओला का, कांजी का रेसिपी होता है। कांजी ओला के बाद हम रेसिपी कांजी खाते हैं, तो ये है कांजी का रेसिपी। यहाँ पे मैं कुछ सब्जियाँ लिया है जैसे पम्पकिन, कैरट, बीन्स, थोड़ा सा लेडी फिंगर और लौकी। ये बचा हुआ चावल है, मैं पिछला दिन का मीन्स यस्टरडे का चावल को रख दिया था। ये थोड़ा सा खट्टा होता है ना, वो अच्छा लगता है, तो मैं बस सब्जियों को बॉईल करूँगी। यहाँ पे एक कप पानी ले लिया है, इसमें हल्दी और नमक डाल दूँगी और सब्जियाँ डाल के इसको बॉईल कर दूँगी। यहाँ पे 3 से 4 सीटी के अंदर ही सब्जियाँ बॉईल हो जाता है, तो मैं 3 से 4 सीटी ही दे दूँगी और सब्जी को, सारी सब्जी को बॉईल कर लूँगी पहले। मेरा यहाँ पे सब्जियाँ बॉईल हो रहा है, दूसरे साइड में मैं राइस को भी बॉईल कर लेती हूँ क्योंकि ये कल का राइस है और थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसका खट्टापन थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा राइस भी बॉईल हो गया है और राइस में मैं तड़का भी दे दूँगी, लहसुन का तड़का। 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है और मैं यहाँ पर थोड़ा सा हींग, रेड चिली और पंचफोड़ दे के तड़का दूंगी। ये 5 से 7 गार्लिक है जिसको मैं थोड़ा थोड़ा सा कूट लिया है। इसके बाद सारा सब्जियां भी ऐड कर लूंगी और इसको अच्छे से बॉईल कर दूंगी और बस ये कांजी हमारा रेडी है। और विंटर सीजन में कांजी खाना अच्छा होता है, आपका जो विंटर का जो प्रभाव है ना वो थोड़ा सा कम हो जाता है, इसको गर्म गर्म ही खाया जाता है और गांव में बहुत मस्त होता है। मेरे पास जो भी अवेलेबल था मैं उसके साथ ही बनाया है, बस जो विधि था उसको कंप्लीट करने के लिए। और इसके इसको खाने के बाद ना आपको ठंड इतना नहीं लगता ये बोलते हैं, और होड़ जो फटता है वो भी नहीं फटता है। बस ये था छोटा सा विधि जो मैं आपके साथ शेयर किया। आप प्लीज़ कमेंट करके बताना आपको ये कांजी कैसा लगा। बस ये मेरा रेडी हो गया कांजी।